हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों दिन से स्टार्ट कर लिया, और टाइम हो गया है 12:30 बजे। तो आज दोस्तों हम कर रहे हैं सफाई, भैया और मैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया देखिए दोस्तों, भाई साहब जो है पूरे मुँह को लपेट रखा है, अब पूरे लगे हुए सफाई करने पे। ऊपर देखिए, हाय आए बिजली बोल रहे हैं आपको दोस्तों, रजिया रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान बने हुए हैं भाई साहब। दिखाते हैं अंदर का कैसा कैसा सफाई कर रखी है ना। अभी तो ऊपर ही हुआ है टांड में, और ये अभी नीचे ना पानी वानी थोड़ा गिर रखा है, सफाई कर रखी है। और पीछे ये टांड देख रहे हैं आप, तो अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम सफाई करना। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है सफाई करने में। ये देखिए दोस्तों, ये देखो कितना गंदा पानी निकल रहा है, ये देखो कितना गंदा पानी आ रहा है। और अभी हमने पीछे की सफाई स्टार्ट करी है, ड्रम साफ कर दिया। तो ये दोस्तों पहले हमारे जहाँ रहते थे दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली में था ये ड्रम हमारा। तो अभी जब पानी नहीं था, पानी की दिक्कत थी, यहाँ तो उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं है पानी की। तो आप देख सकते हैं ये बर्तन रखे हुए मम्मी ने इसके अंदर, अब तो बर्तन डाल दिए हैं। और ये है दोस्तों जला साफ करने का हमारा डंडा, ऊपर देखिए बहुत लंबाई से काफी ऊपर तक आराम से सफाई हो जाती है। पर अभी सामान सारा बिखरा हुआ है, सारे सामान उमान सारे पड़े हुए हैं, ये पेटियाँ पुटियाँ जो हैं सारी पड़ी हुई है, तो ऐसे ही फैला हुआ है सामान अभी सारा। दोस्तों ये पीछे की साइड जो है गैलरी है ना, ये पीछे की साइड की जो गैलरी है, तो इसका एक दरवाजा इधर को है। दरवाजा जो है इस मंदिर की साइड से अंदर से होके इधर को आता है, तो ये दरवाजा मतलब रास्ता इधर से भी है जाने का। ये बक्सा मेरी मम्मी की शादी का है, तो ये अभी भी ऐसे रखा हुआ है। एक था वो पहले हमने बेच दिया है ना, और इसमें सामान वामान रखते हैं। अब हम अपने सामान वामान जैसे प्रिंटर का होता है, फोटोस्टेट मशीन का होता है, तो आपको पता ही है कि हमारा वैसा काम भी है छोटा मोटा फोटोस्टेट लाइन का, तो वो भी हमने सामान रखा हुआ है इसमें है ना। ये उसी का पार्ट्स वगैरह होते हैं फोटोस्टेट वगैरह के। दोस्तों आपको पता है कि अब दिवाली आने वाली है, कल परसों में दिवाली है, और इसी वजह से घर की सफाई हो रही है। हो सकता है क्या पता आज के दिन ना हो तो कल आधा और लग जाएगा काम, इसमें और समय लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में पूरे घर की सफाई करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो भैया कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा, देखते हैं कितना कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल दोस्तों हम रहते हैं अभी रेंट पे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि हम रहते हैं किराए पे। तो किराए पे है चाहे अपना हो, साफ सफाई तो करनी है, जहाँ हम रहते हैं जहाँ हमने रहना है तो वहाँ की सफाई तो होनी है। तो दोस्तों आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके जीवन में सुख में हो, शांति में हो, आनंद में हो। तो सफाई हो रही है दिवाली की, और जाने बहुत लगे हुए हैं, और मुझे देखिए आप, मैं चश्मे लगा रखे हैं, तो चश्मे बहुत लगा रखे क्योंकि जाते वक्त ना आंखों में धूल पड़ती है, तो आप वो ज़्यादा देख सामने इस वजह से ही है, तो सामने देखो जाने हटाने पड़ते हैं। पकड़े भी हो रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन सफाई तो इतनी जरूरी है, तभी जाके लक्ष्मी माँ का आगमन होगा घर के अंदर। तो भैया तो भाई साहब थक गए, एक तो सफाई करा सो गया, लेट गया। सबसे बढ़िया होता है ये मतलब सफाई करने का। दोस्तों पापा भी लगे हुए हैं सफाई करने पे, और भैया हमारा जो है एक सफाई करी है गैलरी की, बस हो गया है, अब हम कर रहे हैं सफाई। मम्मी अंदर की सफाई करते करते बाहर की तरफ आ गई है, सफाई करते करते ये मम्मी बाहर आ गई है। दोस्तों अभी कपड़े पड़े सारे फैल रखे हैं, सारी अलमारी इधर उधर हो रखी है अभी कमरे की ना इसकी। तो आपको पता ही है कि घर की सफाई करते वक्त ऐसे सामान वामान इधर दाएँ बाएँ फैल ही जाता है। और भैया भाई साहब हमारे सो गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया ने कहाँ सफाई करी थी। तो भैया ने पूरी कम्प्लीटली सफाई कर दी थी, बाकी सामान वामान जो था वो तो सारा मैंने लगा लिया था, तो सारा सामान मैंने यहीं अपना स्टोर कर रखा हुआ है पूरी। मम्मी क्या कर रही है, कपड़े को गीले करके और दरवाजों की सफाई कर रही है, बाकी जो जालियाँ लगी हुई हैं तो जालियों पर भी कपड़ा मार रही है।
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे आप सब? मैं करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज कल दोस्तों मॉर्निंग सेटअप कर लिया है और टाइम हो गया है 7:45। तो आज दोस्तों हम इस कमरे की सफाई कर रहे हैं। कल हमारा थोड़ा सा ही रह गया था, थोड़ा सा सफाई करी थी तो पूरे कमरे की सफाई नहीं करी थी, अब इस कमरे की सफाई होनी है। सारा सामान हमने बाहर की तरफ रख दिया है तो ये पूरा खाली खाली हो गया कमरा। अभी मंदिर की सफाई भी करनी है तो मंदिर भी रह गया है। देखिए दोस्तों, ये सारा सामान बाहर हमने ऐसे ही रखा हुआ है। अभी इस पर गीला कपड़ा मारेंगे, जो डब्बे उब्बे हैं उन पर गीला कपड़ा मारना है, बाकी साफ सफाई करेंगे, उन्हें भी करनी है सफाई। दोस्तों अब यहाँ पर सफाई वफाई हो गई है पूरे कमरे की, जाल वाले चढ़ गए हैं। ये मंदिर वाला कमरा है जो हमारा, तो मंदिर वाले कमरे में हमने सारी सफाई कर दी है। तो बाकी ये सामान वामान अभी यहाँ पर सारा मंदिर का रखा हुआ है, मूर्तियाँ वर्तियाँ जो भी हैं सारी रखी हुई यहाँ पर। भैया लाइट ला रखी है मस्त वाली, ये देखिए हांडी वाली लाइट है, ये गोल गोल सी घूमती है ना, मस्त लगती है। तो हम धीरे धीरे जो है पूजा पाठ का सामान लेके आ रहे हैं, और बाकी अभी भैया बाजार गए तो बाजार से थोड़ा बहुत सामान लेके आया, मैं आपको दिखाता हूँ जाके लेके आया भैया। तो ये अभी भैया एक फोटो लेके आया है, पोस्टर टाइप का है ये छोटा सा। दोस्तों ये है लक्ष्मी जी के पैर, लक्ष्मी माता के पैर है ये। भैया ला रखे रंगोली, और आजकल दोस्तों रेडीमेड का काम है, रंगोली कोई नहीं बनाता घर में हमने। कोई कोई लोग होते हैं जो रंगोली तो लोग रेडीमेड लाते हैं। देखिए कितनी मस्त लग रही रंगोली, देखिए। तो दोस्तों ये चुन्नी ला रखे हैं मम्मी, तो भैया ला रखे हैं चुन्नी दीवार पे लगाने के लिए, पीछे से भगवान जी की फोटो लगेंगी आगे से। दोस्तों ये चौकी के लिए कपड़ा ला रखे थे बिछाने के लिए, तो ये कपड़ा जो है बड़ा हो गया था, अब पापा जी काट रहे हैं इसको बराबर कर मम्मी, इसको बराबर मम्मी ने नहीं पकड़ा है, भैया पकड़ रहे हैं अब इसको। और ये देखिए दोस्तों सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है, ये सफाई करी ना, सफाई करने के बाद इतना कबाड़ा निकला यहाँ घर के अंदर। तो ये है दोस्तों यहाँ पर फोटो में ला रखी हूँ माला पितृदेवों के लिए, ये मेरे दादी हैं और ये है मेरे नाना जी। तो देखिए कितनी बढ़िया माला ला रखी, बिल्कुल फिट हो गई माला। अब कबाड़ी वाला आ गया है दोस्तों, तो कबाड़ा जो है काफी पड़ा हुआ था, सफाई वफाई करने के बाद लेने आ रखे हैं। तो अभी दोस्तों थोड़ी सी सफाई हो रखी है, अभी मंदिर वाले कमरे की हो गई सफाई, अभी झाड़ू पोछा भी रह गया है, और अभी टाइम हो गया, इस टाइम 4:30 होने वाले हैं। तो आज देख लीजिए पूरे दिन सफाई का दिन ही निकल गया, और अभी भी काफ़ी सफाई रह रही है, अभी छत रह रही है, मोमटी रह रही है, जो बरामदा है हमारा गेट के सामने वो भी रह गया है, तो पूरी सफाई वफाई करनी पड़ेगी, अभी बहुत समय लगेगा। और हाथ पैरों में ऐसे दर्द हो गया, टीढ़ी होती है ना वो ऐसे दर्द हो रही है बोले। तो ये मम्मी ने और भैया ने मंदिर बढ़िया सजा दिया है, काफ़ी बढ़िया लड़ी लगा दी है, और ये गोल घूमने वाला लाइटिंग वाला भी लगा। ये वाली फोटो नहीं ला रखे, ये वाली सामने देख रहे ना, ये बाकी देखिए दोस्तों पूरे कमरे में लाइट लाइट हो गई है।
ये सारा ये जो है ये अलमारी उलमारी छोटी छोटी अलमारी बनी होती है ना इन पे, तो उनकी भी सारी सफाई कर दी है मैंने। ये सारा जो सामान वामान रहता है हमारा घरेलू काम का, बाकी सारा सामान मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। ये जो है मोम टिकी और सीढ़ियों की और छत की, और नीचे जो है बाहर नीचे है गेट के सामने, तो उसकी सफाई हम कल करेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में। ठीक है दोस्तों, खाने का क्या रहा? खाने का आज हमने सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था, दिन में हमने खाना खा लिया था 1 बजे। तो भैया पापा ने बनाया थी सब्जी बढ़िया सी आलू गोभी की, और मम्मी ने बनाई रोटी, तो हमने बढ़िया करके खा लिया। बस तो बहुत पैर दुख गए हैं, पैरों में दर्द हो गया है और बहुत ख़राब हो गई थी कमरों की सफाई करते करते, अभी बाहर का भी रह गया है। और बाहर भैया ने आज लड़ी लगा दी है, बढ़िया लाइटिंग कर दी है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, हरा भरा सा मकान जो भी है अच्छा लगता है, होना चाहिए। और इधर को देखिए खिड़कियों की सारी सफाई कर दी है, इधर को देखिए खिड़की सफाई कर दी है, पूरा ये दीवार वाला सारी साफ कर दी, फिर टाइल्स लगी है जो, और टाइल्स भी वाइट वाइट है, साफ रगड़ दिया है, और रगड़ इससे हवा में ये जूने से, तो इससे थोड़ा सही साफ हो जाता है, बढ़िया कर दिया। और अब दोस्तों मम्मी कर रही है सफाई, रसोई की अच्छे से सफाई हो गई है, सारे जाले वाले निकाल दिए हैं। पहले काम हमने किया जाले निकालने का, जाले निकाल दिए सारे। आज दोस्तों हमारा तीसरा दिन है सफाई का, तो आज तीसरे दिन का हो गया है, हमें 3 दिन हो गए, मतलब तीसरा दिन हो गया हमें सफाई करते करते, और 2 दिन से नहाया नहीं है, नहाया तो है बिल्कुल नहीं है, और ऐसी सफाई और सफाई भी लगे हुए हैं, मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है और बारिश का मौसम बना हुआ है। तो मौसम कैसा हो रखा है बाहर का, बारिश आने का मौसम बना हुआ है, ठंडा मौसम हो गया है इस टाइम, बहुत ठंड लग रही है, पूरे घर में पानी पानी हो रखा है। अभी तो बाहर की इस जगह की सफाई रह गई है, यहाँ बाहर की साइड की ऊपर की साइड भी रह गई है सफाई करने के लिए, मोमटी में ऊपर छत में भी करनी है सफाई। तो फाइनल दोस्तों अब हो पाया है काम सारा घर का, और ये बाहर का बरामदा साफ कर लिया है, पूरा बरामदा साफ कर लिया है, पूरा बरामदा साफ कर लिया है, सीढ़ियाँ भी साफ कर ली हैं, पानी नहीं डाला इनमें क्योंकि सीढ़ियाँ जो है टूट रही है ना, तो इस वजह से हमने पानी नहीं डाला इनमें, इनमें हमने झाड़ू लगा दिया है, माउंट में झाड़ू लगा दिया है, बाकी पूरा पानी वानी घेर दिया है, पूरा गेट उट पानी साफ कर दिया है, जाले वाले सारे हटा दिए हैं, इधर भी हमने पानी लगा दिया आज, इधर भी सारा पानी घेर दिया है और सफाई कर दी इधर भी पूरा। ये रसोई की सफाई आप देख लीजिए, फाइनल रसोई का ये है। मम्मी का बर्तन धोने का थोड़े बर्तन रह गए थे चाय पानी के खाने पीने के।